अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स। यहाँ आपको जीरो से बेसिक और बेसिक से एडवांस मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, जो डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस जैसी फील्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम देखेंगे कि एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट किस तरीके से हम डेसिमल और फ्रैक्शन का लेते हैं, और एक्सपोनेंट के कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। देखते हैं जी एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट का बेसिक मीनिंग है पावर, ठीक है। हम नंबर्स देखते हैं, लिखा होता है जी स्केयर लिखा होता है, फॉर एग्जांपल 3 की पावर 2 लिखा होता है। इसको हम ये समझते हैं कि 3 को इतनी दफा मल्टीप्लाई करना है, 3 को जितनी दफा ऊपर पावर लिखी उतनी दफा मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब 3 3s are 9 आ गया। 3 को 5 लिखा हो तो इसका मतलब है कि 3 को 5 times मल्टीप्लाई करना है। लेट्स सपोज इसका आंसर x कोई भी आ जाता है। तो पावर हमें इस एग्जांपल से हमें पता चलता है, इन एग्जांपल से कि पावर जो है वो हमें ये बताती है कि ये जो नंबर है इसको कितनी दफा मल्टीप्लाई करना है, इसको कितनी दफा मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो नंबर होता है इसका तो पता चल गया जी पावर है, एक्सपोनेंट है। तो ये जो नंबर होता है इसको बेस नंबर बोलते हैं, बेस नंबर है ये। और ये जो ऊपर छोटा सा करके लिखा होता है इसको बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट हमें ये बताता है कि जो बेस नंबर है उसको कितनी दफा रेज करना है, उसको कितनी दफा मल्टीप्लाई करना है। तो एक्सपोनेंट की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, एक्सपोनेंट द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इट्सेल्फ। एक्सपोनेंट हमें यह बताता है कि जो बेस नंबर है उसको उसी नंबर के साथ कितनी दफा मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल फाइव की पावर 3 इज इक्वल टू, अब ये बेस नंबर है और ये फाइव इज द बेस नंबर एंड 3 इज द एक्सपोनेंट। अब ये हमें बताता है एक्सपोनेंट के 5 को आपने 3 times रेज करना है, तो 5 को 3 times मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या आ गया, 5 5s are 25, 25 5s are 125। इट मीन्स 5 को अगर 3 times रेज करेंगे तो उसका आंसर 125 आता है। ये है जी एक्सपोनेंट। आगे हम देखते हैं कि हम एक्सपोनेंट जो है वो फ्रैक्शन का और डेसिमल का कैसे ले सकते हैं। हाउ वी कैन इवैल्यूएट द एक्सपोनेंट ऑफ फ्रैक्शन। लेट्स सपोज एग्जांपल देखते हैं जी, हमारे पास है 3/2 इस फ्रैक्शन होल की पावर स्क्वायर है। इस होल की पावर स्क्वायर का मतलब ये है कि ये फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर की भी पावर और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर की भी पावर है। फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर की पावर अगर इकट्ठी है, हम इनको लहदा लहदा भी करके लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2। इसका मतलब ये है कि 3 को हमने 2 times रेज करना है और 2 को भी हमने 2 times रेज करना है। इसका मतलब 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 9 और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4। तो 3/2 whole square is equal to 9/4। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जी, 4/5 ये एक फ्रैक्शन है, इसका स्क्वायर है। अब
क्या करते हैं जी, जो हमने पता है जी न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर के हम फ्रैक्शन जो कोई होल इसकी पावर हो, हम उसकी फ्रैक्शन के जो पार्ट्स हैं न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर उनको लहदा लहदा भी पावर देख के लिख सकते हैं। फोर का स्केयर ओवर फाइव का स्केयर, इट मीन्स फोर को टू टाइम मल्टीप्लाई करना है एंड फाइव को टू टाइम। फोर फोर आर 16 एंड फाइव फाइव आर 25। इट मीन्स फोर ओवर फाइव का होल स्केयर इज इक्वल टू 16 ओवर 25। ये मेथड है, ये तरीकाकार है जिसके जरिए हम फ्रैक्शंस का डेसिमल काउंट कर सकते हैं, एवेल्युएट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एक्सपोनेंट ऑफ डेसिमल किस तरीके से हम एवेल्युएट कर सकते हैं। डेसिमल कहते हैं जी पॉइंट्स वाले नंबर को। लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है पॉइंट टू, इसकी पावर है जी थ्री। अब ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर की पावर है थ्री, इसका मतलब हमने डेसिमल को थ्री टाइम मल्टीप्लाई करना है। पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाय पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाय पॉइंट टू, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करने का एक सिंपल मेथड ये है कि आप डेसिमल प्लेसेस को फिल वक्त भूल जाएं, इग्नोर करें और नंबर देखें कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब टू है नंबर मल्टीप्लाई हो रहा विद इग्नोरिंग डेसिमल पॉइंट। अब टू जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये है हम इसको कह सकते हैं कि टू की पावर थ्री है। अब टू की पावर थ्री कैसे है कि टू टू आर फोर एंड फोर टू आर एट, लिख लिया आपने, थोड़ी प्लेस दे के लिख लें। अब देखें कितने नंबर्स के बाद पॉइंट लगा हुआ है या कितने नंबर्स हैं जिनसे पहले पॉइंट लगा हुआ है। अब देखना है जी कितने नंबर्स हैं या कितनी प्लेसेस हैं जिससे पहले डेसिमल पॉइंट फिक्स है। डेसिमल पॉइंट लगाने के लिए अब आपने नंबर्स काउंट करने हैं। एक प्लेस यहां पे जो नंबर लगा डेसिमल पॉइंट लगा, दूसरी यहां और तीसरी ये, जहां पॉइंट लगा हो उससे पहले जितने नंबर्स हैं वो आपने काउंट करके लिख लेने। अब टोटल थ्री है हमारे प्लेसेस जहां पे डेसिमल लगे। तो डेसिमल लगाने का तरीकाकार ये है कि जो नंबर है उसके बाद में आपने सपोज करना है कि यहां पे नंबर है। अब आपने अगर तो पॉजिटिव है तो आपने लेफ्ट साइड पे मूव करते हुए ले जाना है। अगर यहाँ पे पावर नेगेटिव आती है मतलब नेगेटिव में काउंट किए जाते हैं तो आपने फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करके लगानी है डेसिमल प्लेसेस। बट यहाँ पे पावर पॉजिटिव में आ रही है कि पॉजिटिव में डेसिमल प्लेसेस आ रही हैं। डेसिमल प्लेसेस पॉजिटिव में आने का मतलब ये है कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, इधर को यहाँ पे स्टार्ट किया फर्स्ट पोजिशन जीरो लगा देना इसकी जगह पे, यहाँ पे आए तो सेकेंड पोजिशन जीरो लगा देना, ठीक है। अब यहां पे आएगा ये फर्स्ट है और ये सेकंड। अब इसके बाद यहां पे थर्ड पोजीशन है, थर्ड प्लेसेस थी, इट मींस यहां पे ही पॉइंट लगेगा और पॉइंट से पहले भी पॉइंट लग जाएगा। तो ये मेथड है हमारा डेसिमल प्लेस को फिक्स करने का। इसका मतलब ये है जी पॉइंट टू का क्यूब जो है इज इक्वल टू पॉइंट जीरो जीरो एट, पॉइंट जीरो जीरो एट। एक और बात जहन में रखिएगा कि जो डेसिमल पॉइंट से बाद वाले जो डिजिट होते हैं उसको इंडिविजुअली वन बाय वन करके काउंट करते हैं, उनको इकट्ठा डिजिट नहीं काउंट करते। फॉर एग्जांपल हम इसको ये नहीं पढ़ेंगे पॉइंट डबल जीरो एट, दिस इज द इनकरेक्ट मेथड ऑफ काउंटिंग दिस डिजिट। द करेक्ट मेथड ऑफ काउंटिंग दिस डिजिट इज पॉइंट जीरो जीरो एट। तो ये हमारा एग्जैक्ट मेथड ये है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं पॉइंट थ्री इसकी पावर टू, इसकी पावर टू है जी। अब देखते हैं जी पॉइंट थ्री को मल्टीप्लाई करना है टू टाइम, इसका मतलब इग्नोर करें आप डेसिमल को तो थ्री और थ्री मल्टीप्लाई हो रहे हैं, थ्री थ्री आर नाइन, थ्री थ्री आर नाइन। अब हमने काउंट करना है कि डेसिमल प्लेस किधर लगेगी, वन इधर है और वन इधर है, टोटल होगी टू, इसका मतलब सेकेंड प्लेस पे लगना है। यहां पे है डेसिमल, डेसिमल यहां से काउंट किया फर्स्ट प्लेस पे, ये इधर आ गया, इधर जीरो लग जाएगा, फिर यहां से हटके इधर आ गया। अब देखिए ये फर्स्ट प्लेस थी ये सेकंड प्लेस थी, वन और टू फर्स्ट सेकंड, इसका मतलब यहां पे ही डेसिमल पॉइंट लगेगा और जीरो लग जाएगा यहां,
तो 0.3 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0.09। तो ये मेथड है जिसके जरिए से हम डेसिमल पॉइंट का जो एक्सपोनेंट है उसको एलैबोरेट करते हैं। अब हम देखेंगे एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज को। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ये प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट। प्रोडक्ट रूल हमें क्या बोलता है जी? प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई होना, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई होना। अब प्रोडक्ट रूल हमें बोलता है कि ए एक बेस है, इसकी पावर है एम, मल्टीप्लाई हो रहा है ए एक बेस के साथ जिसकी पावर है एन। अब अगर इसको देखें तो दोनों के बेस सेम है लेकिन पावर्स डिफरेंट है। तो प्रोडक्ट रूल हमें ये कहता है कि जब दो बेस नंबर्स सेम हो बट उनकी पावर जो है वो डिफरेंट हो, तो दोनों बेस नंबर्स में से एक बेस नंबर कॉमन आ जाता है और जो दोनों पावर्स होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं, एम प्लस एन आ जाएगी। इसकी एग्जांपल देखते हैं जी। 4 है, इसकी पावर है मेरे पास 2 और मल्टीप्लाई हो रहा है 4 जिसकी पावर है 2। 4 की पावर 2, 4 की पावर 2। अब दोनों आपने पावर्स को फिलहाल इग्नोर करना है, बेस को देखना है। बेस सेम है तो बेस एक दफा आ जाएगा और पावर्स दोनों ऐड हो जाएंगी। 4 की पावर 4 आ गया। इसको एलैबोरेट करें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 4 जार 16, 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 64 और 64 को नेक्स्ट आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें। 4 4 जार 16, 6 इंटू 1 कैरी, 4 6 जार 24 एंड 1। तो इसका आंसर आ गया जी 4 की पावर 4 इज इक्वल टू 256। ठीक है, तो ये मेथड। एक और एग्जांपल देखते हैं। 2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 3 के साथ, बेस नंबर सेम है तो एक कॉमन बेस आ जाएगी और जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे 2 प्लस 3। 2 की पावर हो गया 5। अब 2 की पावर 5 को एलैबोरेट करें तो 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32। इट मीन्स 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। दिस इज अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो है क्वोशेंट रूल। क्वोशेंट रूल, क्वोशेंट रूल हमें क्या कहता है कि जब बेस नंबर्स सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो तो बेस सेम रहता है और पावर्स जो है वो माइनस हो जाती हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, है दोनों सेम चीज ही है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल देखते हैं जी। फॉर एग्जांपल, फोर की पावर 7 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3। अब ये मेरे पास आ रहा है जी, बेस दोनों में सेम है लेकिन पावर्स डिफरेंट हैं, तो क्या करेंगे, जो बेस है उनमें से एक दफा बेस आ जाएगा और पावर्स जो है वो माइनस हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वोशेंट रूल। 7 माइनस 3, इट मींस 4 की पावर 4 आ गया, 4 की पावर 4 आ गया। तो 4 की पावर 7 और 4 की पावर 3 चल रहा है। ठीक है, ये इक्वल आ गया 4 की पावर 4 के। इसका मतलब 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर 4 4 जार 16, 16 4 जार
64 64 4 256। तो इसका मतलब 4 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3 का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 256। ये है एग्जांपल क्वोशेंट रूल की। इसके बाद आ जाता है जी पावर ऑफ पावर या डबल पावर रूल भी बोलते हैं, पावर ऑफ पावर। ये क्या बोलते हैं जी पावर ऑफ पावर, हमें इससे पता लग रहा है कि एक पावर है लेकिन उसकी फिर पावर है, मतलब एक पावर की पावर है। इसका मतलब एक बेस है हमारे पास, उसकी पहले पावर है m और उसके बाद फौरी उसकी उसी बेस नंबर के साथ उस पावर की फिर पावर है n। तो ये रूल कहता है कि जब डबल पावर हो जाए तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी ना। तो इसकी अब एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल क्या है जी इसका कि एक बेस है मेरे पास 2, इसकी पावर है 2 और फिर इसकी पावर है 3। अब अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ पावर प्रॉपर्टी ये कहती है जी बेस की पावर अगर डबल हो तो दोनों पावर्स प्लस हो जाती हैं। इसका मतलब 2 की पावर 6 हो गया। अब इसको अगर मैं एलेबोरेट करूं तो 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 16 2s are 32 32 2s are 64। इट मींस 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64। ये है जी हमारा पावर ऑफ पावर रूल। इसके बाद है जी पावर ऑफ जीरो। पावर ऑफ जीरो, ये हमें पता चल रहा है कि जीरो ही पावर है। अब एक बेस है, वो कहता है एक बेस है जब उसकी पावर जीरो होगी तो हमेशा उसका आंसर 1 आएगा। इसकी एग्जांपल इस तरीके से है, आपके पास कोई भी नंबर हो, लेट्स सपोज 121 एक नंबर है, इस पूरे की पावर आ रही है 0। जब भी 0 पावर आएगी इसका आंसर हमेशा 1 नहीं आएगा। कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट, कोई भी वेरिएबल जब उसकी पावर 0 आ जाएगी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सपोनेंट उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। चाहे आपके पास जितना मर्जी बड़ा नंबर हो जाए, आप 1 लाख 1 करोड़ तक भी ले जाए ना, 1 करोड़, 1 लाख या 1 करोड़, तो इनकी पावर अगर 0 होगी तो भी आंसर 1 ही आएगा। ये है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट। जी तो मेरी कॉम के नौजवानों, आज हमने देखा एक्सपोनेंट क्या होता है, फ्रैक्शन का एक्सपोनेंट कैसे लेते हैं, डेसिमल का एक्सपोनेंट कैसे लेते हैं, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज देखी। कोडेनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और लेक्चर्स सुनने के लिए यूट्यूब पर और गूगल पर मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स सर्च करें। अल्लाह ने के बाद।